हाइपरसोनिक का TS7 है टॉप पे, इसकी टच उल्टी चल रही है। सुविधा करने के लिए आपको एक माउस की जरूरत होगी, USB की, USB लगाएंगे पीछे। माउस कनेक्ट करेंगे, सेटिंग मोर एक्स्ट्रा सेटिंग, इसका पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6। नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ एक आएगा टच एरिया की, इस पर क्लिक करोगे। जो ये उल्टी चल रही है इसके लिए तो ये पोजीशन लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे। TS7 के जितने भी मॉडल है टॉप वे में इसमें सेटिंग होती है जो ये लेफ्ट पे चलता है, इसको लेफ्ट पे क्लिक करेंगे। अभी जो उल्टी चल रही थी ये आप देखोगे सीधी हो गई, जहाँ क्लिक कर रहा हूँ वहीं क्लिक हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज कि ये जो बटन काम नहीं कर रहे हैं, ये बटन कैसे मैच होंगे, यहीं पे आपको यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करना है, यहाँ क्लिक करेंगे पावर, पावर से पावर को मैच कर देंगे। तो ग्रे टाइप हो गया, पहले प्योर ब्लैक था। इसके बाद होम, बैक, वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस। अब ये सारे बटन आपके मैच हो गए, टच आपकी सीधी चल रही है, एंड कर देना। बैक आके मिनिमाइज करके सब क्लियर कर देंगे। अभी आप अपना माउस निकाल लो, माउस हमने डिस्कनेक्ट कर दिया। अब आप टच चला के देखिए, बिल्कुल ओके चल रहा है, बटन भी आपके ओके चलेंगे। माइनस प्लस बैक होम पावर, ये अपना TS7 मॉडल है। इसमें एंड्रॉयड ऑटो वायरलेस अगर आपको कनेक्ट करना है तो दो चीज़ें पहले चेक कर लेना। पहला ये कि आपका एंड्रॉयड वर्जन 13 होना चाहिए, 13 से नीचे में कुछ मॉडल हैं सिर्फ जिनमें सपोर्ट करता है, ज़्यादातर में नहीं करेगा। अगर आपका 13 से नीचे है तो एंड्रॉयड वर्जन, जैसे कि ये एंड्रॉयड 13 है। दूसरी चीज़ क्या चेक करनी है, प्ले स्टोर में आना, ना लिखना आपको एंड्रॉयड ऑटो, ये एप्लीकेशन है, ये लेटेस्ट वर्जन है, जैसे कि 19 मई 2023 लास्ट अपडेट। अगर इससे पुराना है तो आप इसको अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लेना, अपडेट हो जाएगा। अब कनेक्ट करना है तो कनेक्ट करने के लिए हम आएंगे ब्लूटूथ में, ब्लूटूथ ऑन किया हमने, इसके ब्लूटूथ में जाएंगे, ये मॉडल आ रहा है, कनेक्ट हो गया हमारा। ये कनेक्ट होने के बाद आप जेडलिंक में आओ, जेडलिंक को ओपन करो, कनेक्टिंग होने लग गए। फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टाइम लेगा कनेक्ट होने में, उसके बाद जो सेटिंग होती है वो सेफ हो जाती है आपके इंटरनल मेमोरी में। तो नेक्स्ट टाइम से जैसे ही आप गाड़ी में बैठेंगे वो आपको ऑटोमेटिकली कनेक्ट मिलेगा। ऐसे नहीं हुआ तो सिंपली यहाँ से एक बार ऑफ करो ब्लूटूथ, फिर ऑन कर दो। ये आपका एंड्रॉयड ऑटो वायरलेस कनेक्ट हो गया।
TS7 मॉडल है हमारा, जिसमें कैनवस मैच करने के लिए कोई सी भी गाड़ी में जिसमें कैनवस लगा रहे हो आप, उसके मैचिंग के लिए हमें सेटिंग में जाना है। पहले होम पर जाना है, होम के बाद ये कार सेटिंग में जाना है, कार सेटिंग के बाद फैक्ट्री सेटिंग में जाना है, और फैक्ट्री सेटिंग के बाद ये पासवर्ड मांगेगा। इसका पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6 और ये आपने कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद आपने ऊपर आराम से साइड करके ऊपर से करना है आपको, और ये मॉडल चूज का ऑप्शन आ जाएगा आपका, मॉडल चूज देना है आपने। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि पहले इसको हॉटस्पॉट देना है सिस्टम को। हॉटस्पॉट देने के बाद जोन सी भी गाड़ी का आप करते हो, जैसे सपोज करो आप ये राइस पे कर दो, जैसे यहाँ पर अब कोई सी भी गाड़ी है आप वो उस पर अगर नहीं समझ लो, अब इसको जो है आपने पहले यहाँ पर करके हॉटस्पॉट देना है इसको। हॉटस्पॉट देने के बाद ये अपडेट मांगेगा यहाँ पर, MCU अपडेट होगा, 4-5 बार ये अपडेट होगा, उसके बाद इसको पब्लिक पे करना है जब आपका कैनवस काम करेगा। TS7 मॉडल हमारा, इसमें स्टेयरिंग मैच करने के लिए हमें यहाँ होम पर जाना है, और होम पर जाने के बाद स्टेयरिंग का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है और ये स्टार्ट करना है यहाँ से, और फिर अपने जो बटन है स्टेयरिंग पे उसको वहाँ पर एक बार ही दबाना है और यहाँ टच करके छोड़ देना है। तो ऐसे यहाँ पर ये लर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर जब लर्निंग हो जाए तो फिर यहाँ पर एंड कर देना, तो वो आपके स्टेयरिंग जो है मैच हो जाएंगे, फिर आप वहाँ पर वॉल्यूम प्रेस करोगे तो यहाँ पर मैच हो जाएंगे। अगर किसी कस्टमर को अपनी गाड़ी का लोगो लगाना है तो लोगो के लिए आपको सेटिंग में आना है, कार सेटिंग, एक्स्ट्रा सेटिंग, यहाँ पासवर्ड डालना है 1 2 3 4 5 6, ओके कर देना। स्क्रॉल करेंगे आप नीचे, स्क्रॉल करने के बाद नीचे देखेंगे लोगो सेटिंग आ रहा है, लोगो सेटिंग में क्लिक करने के बाद जिस भी ब्रांड की आपकी गाड़ी है वो लोगो आप, जैसे मैं ये सेट कर देता हूँ, तो मैंने सेट कर दिया। अभी अगर आप चाबी बंद करके ऑन करते हैं लोगो आपका सेट हो गया। TS7 में कई सारे कस्टमर की कंप्लेंट है कि इंटरनेट नहीं चलता है या गूगल मैप या प्ले स्टोर में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए देखो सबसे पहली चीज आपको चेक करनी है कि डेट और टाइम आपका सेट है या नहीं। तो वो चेक करने के लिए आप सेटिंग में आओ, मोर, सबसे बॉटम में अगर आप देखेंगे लिस्ट में सिस्टम है, सिस्टम पे क्लिक करना है, उसके बाद डेट एंड टाइम। इसे सेट करने के लिए देखो पहली चीज आप ये सेकंड नंबर वाला ऑटोमेटिक टाइम जोन इसको ऑफ करना पड़ेगा। ऑफ करने के बाद आप यहाँ सेलेक्ट टाइम जोन पे क्लिक करेंगे, टाइम जोन आपका कोलकाता सेलेक्ट होगा, कोलकाता, कोलकाता सेलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिक टाइम जोन आपको ऑन करना है। ऑन करते अगर आप देखेंगे तो आपका डेट और टाइम ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। डेट और टाइम सेट होने के बाद मिनिमाइज कर देना सारे क्लियर, उसके बाद आप YouTube या Google मैप चेक करेंगे, अगर चल रहा है प्रॉपर तो ठीक है, नहीं चल रहा है तो कई बार क्या होता है जो आपकी Android सिस्टम में एप्लीकेशन है जो इनबिल्ड होती है उसको आपको अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट कैसे होगा, अपडेट के लिए आपको प्ले स्टोर में आना है, जरूरी नहीं कि आपको इसमें लॉग इन ही करना पड़ेगा, आप यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करके अपडेट ये सारी एप्लीकेशन आ गई, जितनी भी एप्लीकेशन है ये सारी एप्लीकेशन आप अपडेट कर लोगे ना, तो अगर आपका YouTube में कोई इश्यू आ रहा है, कई कस्टमर की कंप्लेंट होती है कि गूगल मैप पे हम जो भी लोकेशन सबमिट करते हैं तो सिर्फ एक ब्लू लाइन चलती है, आसपास की चीजें नहीं दिखाता, या गूगल मैप क्रैश हो रहा है, या यूट्यूब चल नहीं रहा है, ये सारी प्रॉब्लम आपकी जो एप्लीकेशन है इंटरनल वो अपडेटेड नहीं है, इस वजह से प्रॉब्लम आती है, ये आप अपडेट कर लेंगे प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व। टाइम और डेट सेट कर लेना है और एप्लीकेशन अपडेट कर लेना है। और अगर आपका AHD कैमरा है तो AHD कैमरा के लिए AHD कैमरे के लिए अलग सेटिंग है, AHD के लिए आपको दोबारा से कार सेटिंग में आना पड़ेगा, रिवर्स AHD, वैसे 90% आपका AHD 25
720 इसी पे चलता है। 1080 भी होता है, 1080 में भी चलता है कहीं, लेकिन ज़्यादातर कैमरे आपके ASD 720p 25fps पे ही चलेगा। इस पर आपने सेट कर दिया, अभी चेक करिए कैमरा में गया। इसी तरह इसके कैमरे की सेटिंग चेक करने के लिए अभी जैसे आप क्लिक कर रहे हो कैमरा इस तरीके से आ रहा है। अगर आपका कैमरा नॉर्मल है तो नॉर्मल कैमरे के लिए सेटिंग है इसकी, सेटिंग में हो गए, रिवर्स में हो गए। रिवर्स में आने के बाद इसमें NTSC है, इस पर क्लिक करना, बैक आ जाओ।